जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो देखिए, ग्रीन ग्रीन आज आप लोगों को पौधे दिखा रहे हैं और ये सामने अपने बगिया में लगे हुए थे। तो आज सुबह से हो रही थी बारिश, तो हम वहाँ से उखाड़ के लगा दिए हैं गमलों में। और हमको ना डांट मिलने वाली है, पापा जी आज बहुत ही डांटेंगे, क्योंकि पापा जी ही सामने लगा के रखे थे और आज हमको अच्छे लगे तो इसलिए हमने सोचा अपने छत में लगा लेते हैं। और आज ना हम कुछ बनाने जा रहे हैं, आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। तो क्या बनाने जा रहे हैं, तो अरुई के पत्ते हम लाए हुए हैं सामने अपने बगिया से, तो आज वही हमको बनाना है और सासू माँ की हेल्प लेंगे तभी हम बना पाएंगे। तो चलिए अंदर का नज़ारा दिखा देते हैं कि सासू माँ भी क्या कर रही हैं। तो सासू माँ के अभी चल रहा है सुंदरकांड का पाठ, तो चल रहे हैं नीचे और आप लोगों को दिखा रहे हैं कि किचन में हमारी क्या हो गई तैयारी। और ये देखिए सासू माँ बैठी हुई, तो चलिए चलते हैं नीचे। हम आ गए नीचे, अब उनकी सुंदरकांड की पाठ हो गया लगता है, घंटी क्योंकि बज रही है और आप लोग मिल सकते हैं। नन्हे मुन्ने से लोग नाश्ते के इंतजार में हैं कि माँ जल्दी तैयार करें तो हम लोग नाश्ता करें। और वैसे भी ना अभी तक हम छत में थे, बारिश का मज़ा ले रहे थे, इतनी तेज़ बाहर बारिश हो रही है कि वाकई देखने लायक है, लगता है छत से नीचे आओ ही नहीं। तो चलिए, जो यहाँ हम सुबह तैयारी करके गए थे क्या बनाने के लिए, तो आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये देखिए, बेसन घोल करके रख गए थे और इसमें अभी हमने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ नमक ही डाले हैं क्योंकि अभी सासू माँ बताएंगी तभी डालेंगे। और थोड़ी ही बेसन है क्योंकि ज़्यादा लोग खाने वाले नहीं हैं, तीन ही चार लोग हैं। और यहाँ पर ये देख सकते हैं अरुई के पत्ते जो हम तोड़ के लाए हैं। और यहाँ पर हमारे कलौंजी के लिए रखे हुए हैं बैंगन जो हम शाम को बनाएंगे। और हमने आलू भी बॉईल करके रख लिया था छील करके, क्योंकि होता है ना गाइस, जब आप बड़ों के लिए तो सोच लिए हैं कि पत्ते का कुछ ना कुछ नाश्ता बनाएंगे, लेकिन बच्चे तो ये करने वाले नहीं है पत्ते वाला नाश्ता, इसीलिए हमको आलू का ही कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या बनाते हैं। वैसे भी ये कह रहे हैं कि ब्रेड का सैंडविच बना दो या फिर क्या बनाते हैं जो आलू के बनते हैं, आलू बंडे बना देते हैं, लेकिन आलू बंडे इन लोगों को पसंद नहीं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं आलू की, बट इस समय ब्रेड की उनकी ज़्यादा फरमाइश है। और बाहर तो हो रही इतनी तेज बारिश और सासू माँ की घंटी बज जाए तो देखते हैं, अगर सासू माँ जाती, लेकिन उनको भी नहीं भेजेंगे बारिश में क्योंकि पानी भीग जाएंगी ना, तो कहीं सर्दी ना लग जाए। तो जो भी होगा देखो, बच्चों के लिए मना पता कि कुछ भी नाश्ता इनके लिए तैयार कर देते हैं। तो जल्दी आइए सासू माँ, इतनी तेज तेज घंटी बजा रही हैं सुबह से ना, 4:30 बजे से नहा करके इनका पूजा पाठ शुरू हो जाता है। और वैसे भी हमारी सासू माँ बहुत ही एक्टिव है, बहुत ही पूजा पाठ करती है। तो आज सासू माँ के हाथ के ही आपको लोगों के पत्ते के जो भी बनाएंगी, हमको तो इसका नाम भी नहीं पता है कि क्या बनना है, बस ये पता है कि बेसन से ऐसे ऐसे बनेगा। तो चलिए, जैसे भी बनाती हैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करते हैं। तो मिलते हैं सासू माँ के साथ में। तो ये देखिए, आ गई हैं सासू माँ और बहुत अच्छे से बना रही। वैसे तो आप लोगों से बताएं, अगर चने की दाल भिगो करके और उसको पीस करके सिल में और इसमें बनाओ तो बहुत ही अच्छा बनता है, लेकिन यहाँ पर हमने बेसन ही घोल लिया था। अब बेसन में लहसुन, मिर्चा, अदरक पूरा पेस्ट पीस करके मिला लिए हैं। और थोड़ी सी हमको लगता है बेसन गीला हो गया है क्योंकि हम भी काफ़ी समय बाद बना रहे हैं, और पहले बनाते थे, लेकिन जब होता है ना कभी कभार ये सब चीज़ें बनने को होती ना, तो एकदम कि ये सब कैसे बनाया जाता है। और सासू माँ को तो आ रहा थोड़ी बहुत, जैसे भी बना रही हैं, लेकिन एक दिन ना हम आप लोगों के साथ दाल का बना करके ज़रूर शेयर करेंगे, जब दाल हाथ से पीसेंगे तब। तो यहाँ पर देखिए बनने जा रहा है और जो भी बन रहा है अभी आगे सासू माँ ही बताएं। और नाम तो हमको भी नहीं पता है, कभी सहेड़ा बोलती हैं, कभी कुछ ऐसे करके है। और यहाँ पे गाइज हम वॉइस ओवर कर रहे हैं क्योंकि अंदर चल रही है हमारे रूम में टीवी। तो चलिए बना लेते हैं, इसके बाद आप लोगों को बुला रहे हैं और सब लोग बैठ। वैसे तो ना ये भाप में भी बनाए जाते हैं, लेकिन भाप में नहीं बनाएंगे, आज हम ट्राई कर रहे हैं ऐसे कढ़ाई में। और देख सकते हैं इसमें हमने डाल दिया है कड़ुआ तेल, और ज़्यादा इसमें हमको कुछ भी नहीं डालना है। और जब आपका तेल थोड़ी से गर्म हो जाए ऐसे आपको आराम से रख देना है, और इसके बाद थोड़ी सी ढक देना है, ढकने के बाद भाप में पक जाएंगे। जब पक जाएंगे तो आराम से इनको पलट देना है और आपके सहेड़ा यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। और वाकई आप चाहे टमाटर की चटनी से, चाहे इमली की चटनी से खाइए। तो देखिए यहाँ पे हमारे तैयार हो गए। वैसे ये भाप में बनाए जाते हैं, भाप में जब आप बनाएंगे ना तो ज़्यादा ही अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पर हमारे थोड़ी सी चिपक गए हैं नीचे, क्योंकि आपसे तो अपनी प्रॉब्लम बता ही दिए ना कि काफ़ी समय
तो थोड़ी सी तो गड़बड़ी हो ही जाती है। और ये देखिए हमारे तैयार हो गए हैं और यहाँ पर बच्चों के लिए नाश्ता भी तैयार हो गया है। तो चलिए मिलते हैं सब लोग नाश्ते के साथ में, और भी जो एक्स्ट्रा काम है कुछ किचन के कर लेते हैं, क्योंकि होता है जब किचन में खड़े और यहाँ के काम पूरे हो गए किचन के। तो चलिए मिलते हैं सासू माँ के साथ में। अब आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों का नाश्ता तैयार हो गया और सासू माँ की हेल्प से बना हुआ है, और अभी तक हमको नाम नहीं फाइनल पता है कि इसका नाम क्या है। तो चलिए सासू माँ बता रहे हैं, क्या नाम है? सहिंदा। सहिंदा जो बनाए है ना उसका नाम है सहिंदा। आप लोग भी हंसेंगे, हमको भी हंसी आ रही सहिंदा नाम सुन करके। तो हमारी चाय भी आ गई है और हमारे लिए आया हुआ है चना, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं हमको ये सब चीज़ें नहीं पसंद है, बच्चों के लिए भी हमको बनाना पड़ा। क्या बनाए हैं बताओ? बना आलू बंडा। आलू बंडा नहीं है, कटलेक है। कटलेक है खा रहे हो, आलू बंडा दिख रहे हैं। हाँ। हम कह रहे थे ना कि इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ हमको बनाना पड़ेगा, तो चक्कू से हम काट नहीं पाए थे, तो यहाँ पर अभी सासू माँ इनको काट रही हैं। इसके बाद आप लोग भी आ जाइए, गर्मा गर्म खाते हैं सहिरा और पीते हैं चाय। तो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद में। हम खाली हुए हैं और टाइम कितना हो रहा है, 3:30 बज रहे हैं, और आप लोग देख सकते हैं कि सासू माँ के सर में इतना तेज़ दर्द था, तो अब आराम है, तेल लगने से हाथ पैर में मसाज होने से काफ़ी आराम है। और सासू माँ ना व्रत बहुत रहती है ना, इसी वजह से जब जब व्रत रहती है, व्रत में कुछ खाती भी नहीं है, इसी वजह से सर में दर्द शुरू हो जाता है। गैस की प्रॉब्लम है, गैस जब बनती है, खाली पेट रहो तो गैस बनती है, और जब सर में गैस चढ़ जाती है तो अचानक दर्द होने लगता है। तो 2 बार चाय पी है, दवा भी ली है, तो काफ़ी आराम है। और आप लोगों से कह भी रहे हैं कि काफ़ी आराम है, देखिए काफ़ी आराम है, अभी दर्द ठीक है। हाँ, अभी कंघी नहीं की है, अभी कंघी करेंगे, पहले हम फॉल लगा लें, थोड़ा सा बच्चों को खाना भी खिला दें। अभी तक ये लोग खाना नहीं खाए, इतना जब हैवी नाश्ता हो जाता है ना तो खाना खाने की वैसे भी नहीं इच्छा होती है। तो चलिए कर लेते हैं काम, इसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो अब लग जाते हैं ऊपर की साफ सफाई में। तो काफ़ी कपड़े रखे हुए थे तो इनको भी सब फोल्ड करके रख देते हैं, और इसके बाद लगाते हैं झाड़ू और पोछा जो रोज़ के काम हैं। तो ये रोज़ के काम ना 3:30-4 बजे से ऊपर शुरू होते हैं और तो सब सुबह ही हो जाते हैं, और सुबह का काम तो ज़्यादा ही अच्छा रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, शाम को वैसे भी गर्मी में नहाना ही पड़ता है, तो ये भी चल जाता है कि 4 बजे एक्स्ट्रा काम थोड़ा सा हो जाते हैं। और पूरा दिन बच्चे ऊपर ज़्यादा रहते हैं तो ज़्यादा ही ऊपर, तो तीनों बच्चे ना यहाँ जब लगे रहते हैं ना तो सब इधर से उधर सामान करते रहते हैं। तो ये पूरा सामान हमने यहाँ का सब सेट कर दिया और चादर वगैरह भी डाल दिए। अब लगा लेते हैं पोछा और इसके बाद अब शाम की तैयारी खाने पीने की कुछ शुरू करेंगे। क्या कैसे बनाना है वैसे आप लोगों को तो पता ही है कि अभी हमको शाम को बनाना है, बैंगन का भरता बनाते हैं कि कलौंजी बनाते हैं। तो चलिए कर लेते हैं काम, इसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। अब टाइम शाम का है, और क्या टाइम, पूरी तरह से अभी हम टाइम नहीं देखे हैं। आज बताएं आप लोगों से पूरा दिन हम छत में रहे क्योंकि पूरे दिन बारिश हुई है और बहुत ही ठंडा ठंडा मौसम है। वैसे तो सोच रहे थे कि गमलों की गुड़ाई करें, लेकिन बारिश होने की वजह से ना आज गमलों की गुड़ाई नहीं हो पाई है, अब देखते हैं कल करेंगे। और आप लोगों से सुबह बताए थे ना कि बैंगन की कलौंजी बनाएंगे, लेकिन अब हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं, बैंगन का भरता, क्योंकि बारिश में ना बैंगन का भरता और रोटी खाने में तो बहुत ही आनंद आता है। तो आप लोग देख सकते हैं मीना बैंगन काट रही हैं और लहसुन भी छील ली हैं। तो वैसे भी हम सिंपल सा बैंगन का भरता बनाएंगे कुकर में ऐसे ही सब डाल करके और टमाटर वगैरह डाल करके। तो चलिए ज़्यादा तो क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, पूरी मतलब पूरी तरह से दिखा नहीं पाएंगे, इसकी रेसिपी आप लोगों तक नहीं शेयर करेंगे, वैसे दिखा देंगे जब बन जाएगा तभी दिखाएंगे। और अब हम लोगों का मतलब शाम का समय है और अब तो जा रहे हैं नहाने, नहाने के बाद होगी भगवान जी की आरती पूजा, इसके बाद ही खाना बनना शुरू होगा। और बारी बच्चों को ना क्या बनेगा, बच्चे तो बैंगन का भरता रोटी खाने वाले नहीं है, तो उन लोगों के लिए बनेगा आलू का पराठा। तो क्योंकि आलू का पराठा ना बारिश के समय तो वाकई ही बहुत ही आनंद आ जाता है जब आलू के पराठे और चाय के साथ खाओ। तो चलिए बनाते हैं बैंगन का भरता और रोटी, इसके बाद आप लोगों से मिलते हैं।
तो ये देखिए भरता हमारा ऐसे बन रहा है। कुकर में हमने बैंगन, आलू, टमाटर सब काट करके डाल दिया, और इसमें थोड़ा सा खड़ा अदरक भी आप डाल सकते हो, मिर्चा भी डाल सकते हो, और वैसे तो पेस्ट बना करके डालिए तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। अदरक, अब कड़ुआ तेल इसमें ऊपर से डालना है, पहले कड़ुआ तेल इसमें नहीं डालना, तो आपका भरता बिल्कुल वैसे तैयार होगा जैसे हम लोग गांव में चूल्हे में बनाते हैं भूंज करके भरता, वैसे ही बनेगा। और थोड़ी सी हमने काट करके इसमें डाल दिया था कच्चा आम। 7:30 बज रहे हैं तो ये भी आ गए थे और रख दिए हैं चाय पीने के लिए। बच्चों को हमने होमवर्क दिया था करने के लिए, तो डेली जब ये होमवर्क कर लेते हैं तो इसमें हम साइन करते हैं, नहीं ये हमसे गेम खेल जाते हैं, बच्चे कहते हैं हमने कर लिया। अगर आप कम से कम पता रहता है कि बच्चों ने होमवर्क किया है सही से कि नहीं किया, तो चलिए आप लोग भी आ जाइए, शाम की चाय सब लोग बैठ करके पीते हैं और इनको भी दे देते हैं, और सासू माँ हैं ऊपर तो उनको भी दे देते हैं, और कृष्ण भगवान का लगाती है यहाँ पर शाम को सुंदरकांड जब होगा। और यहाँ पर देखिए हमारा भरता बन करके तैयार हो गया, तो बस यहाँ पे हमको हरी धनिया बस कटी हुई डाल देना है, और हाथ से पो करके आज बनाना है रोटियाँ। तो देखिए वाह कितना अच्छा लग रहा है, आप लोग कमेंट में ज़रूर कि हमारा भरता और हाथ की पोई हुई रोटियां आप लोगों को कैसी लगी, और आ जाइए आप लोग भी, घी लगा के रोटियां यहाँ बन रही हैं और सबको दे देते हैं खाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय माता दी।